सुप्रभात बच्चों, बच्चों आज हम पर्वत राजा हिमालय कक्षा आठवीं प्रथम पाठ पढ़ते हैं। और पर्वत राज हिमालय के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने एसएसटी में भी आपने पर्वत राज हिमालय के बारे में खूब पढ़ा है। पर्वत राज हिमालय जो है भारत का सबसे ऊंचा हिमालय है, उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ पर इसकी चोटियाँ जो है बहुत ऊंची ऊंची हैं। ये सब आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस पाठ में किस प्रकार से पर्वतराज हिमालय के बारे में हमें संस्कृत में ही सब कुछ बताया गया है। और आप संस्कृत के सभी वर्ड्स जो भी बोले जाएंगे उनका उच्चारण, उनका अर्थ अच्छे तरीके से जानेंगे। हिमालय भारत से उत्तर दिशायाम स्थित है अस्ति। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। एशे पर्वत राजा अस्ति, यह पर्वतों का राजा है। हिमालय से शिखरानी अति उन्नतानी संति। हिमालय की चोटियाँ बहुत ही ऊंची हैं। तानी सर्वदा ही मेन आच्छादितानी भवंती, वो हमेशा बर्फ से ढकी हुई होती हैं। हिमालयात नद्यः निर्गच्छन्ति, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। यथा गंगा यमुना शतद्रु विपाशा इरावती चंद्रभागा वितस्ता च इति। जैसे गंगा यमुना सतलुज व्यास रावी चेनाब और झेलम आदि सभी नदियों के हिंदी में अर्थ भी आपको पता होने चाहिए। हिमालय नदी नाम वेगः अति तीव्र भवति, हिमालय में नदियों का प्रवाह बहुत तेज होता है। तावी नदी भी कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, और उन नदियों से किसान खेतों को सींचते हैं। अत्र स्वास्थ्य वर्धकानी स्थानानि अपि सन्ति, यहाँ स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले भी स्थान हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाले स्थान हैं। तत्र रुग्णाः गच्छन्ति स्वास्थ्यं च विन्दन्ति, वहाँ रोगी जाते हैं और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। तापेन व्याकुला जना अत्र आगत्य प्रसीदन्ति, गर्मी से व्याकुल लोग यहाँ आकर प्रसन्न होते हैं। आगत्य आवसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय। पूरा हिमालय से गुहासु मुनियः वसन्ति स्म, प्राचीन काल में हिमालय की गुफाओं में मुनि रहते थे। तत्र नदीषु स्नानं कृत्वा ते ईश्वरं अर्चन्ति स्म, वहाँ नदियों में स्नान करके वो ईश्वर की पूजा करते थे। एष पर्वतः प्रकृतेः क्रीड़ा स्थलम्, यह पर्वत प्रकृति का खेलने का स्थान है। कश्मीर प्रदेश अपि अत्र एव स्थित है, कश्मीर भी यहीं पर स्थित है। एतस्मिन् प्रदेशे शत्रु संसक्त लोचने अस्ति, इस प्रदेश पर शत्रु आंखें गड़ाए हुए हैं। शत्रुभ्यः वयं कश्मीरं हिमालयं च रक्षिष्यामः, शत्रु से हम कश्मीर और हिमालय की रक्षा करते हैं। हम इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। पर्वत राजा, पर्वतों का राजा, अति बहुत, सर्वदा हमेशा, आच्छादितानि ढके हुए, यथा जैसे, विपाशा व्यास नदी, वितस्ता झेलम नदी, चंद्रभागा चेनाब नदी, शतद्रु सतलुज नदी, स्वास्थ्यम सेहत, प्रप्लसद सीद प्रसन्न होना, पुरा प्राचीन काल में, शत्रु दुश्मन, संसक्त लोचनः आंखें गड़ाए हुए, स्वास्थ्य वर्धक स्वास्थ्य बढ़ाने वाला, शिखरम चोटी, उन्नतः ऊंचा, हिमम बर्फ को, निर्प्लस गम गच्छ निकलना, इरावती रावी नदी, वेगः प्रवाह तीव्र तेज, सिच सिंच सींचना, रुग्ण रोगी, तापह गर्मी, पर्वतः पहाड़, प्रकृति कुदरत। अब देखिए एक पदेन उत्तर, हिमालय भारत से उत्तर दिशा, उत्तर दिशायां भारत से उत्तर दिशायां क स्थित है अस्ति। देखिए क स्थित है, कौन स्थित है, हिमालय। तापेन व्याकुला जनाः कुत्र गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं गर्मी से व्याकुल लोग, हिमालयम, हिमालय को जाते हैं। हिमालय से गुहासु के वसन्ति स्म, हिमालय की गुफाओं में कौन रहते हैं, मुन्यः, के बहुवचन है तो मुनि शब्द के भी बहुवचन रूप आएंगे। हिमालय पर्वत है कस्य क्रीड़ा स्थलम अस्ति, हिमालय पर्वत किसका खेलने का स्थान है, किसका, प्रकृति का। प्रकृति शब्द की भी षष्ठी विभक्ति प्रकृति, क्योंकि कस्य में भी षष्ठी विभक्ति है। हिमालय की दिशानी स्थानानी संति, हिमालय में कैसे स्थान है, स्वास्थ्य वर्धकानी, कीदृशानी,
स्वास्थ्य वर्धकानी, यहाँ पर स्वास्थ्य वर्धकानी इसलिए क्योंकि स्थानानी भी बहुवचन है, तो स्वास्थ्य वर्धकानी भी बहुवचन होगा। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तर, रुग्णाहा कुत्र गच्छन्ति, रोगी कहाँ जाते हैं, रुग्णाहा हिमालयम गच्छन्ति। अब हमने ये पाठ का पूर्ण वाक्येन उत्तर एक किया और इसका दूसरा उत्तर अभी हम देखते हैं। देखिए हिमालयात कहाँ नद्या निर्गच्छन्ति, हिमालय से कौन सी नदियां निकलती हैं, हिमालयात गंगा यमुना शतद्रु विपाशा वितस्ता च नद्या निर्गच्छन्ति। सारी नदियों के नाम लिखने के बाद में आप च लगाकर निर्गच्छन्ति इसमें लिखेंगे। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अगले प्रश्न में हम प्रश्न निर्माण करेंगे जो शब्द रेखांकित किए हुए उनको आधार मानकर। हिमालयात नद्यः निर्गच्छन्ति, नद्यः मीन्स नदियां। अब देखिए नद्या बहुवचन है तो हम किम शब्द का भी स्त्रीलिंग बहुवचन लिखेंगे, का के काहा। हिमालय नदी नाम वेग है अति तीव्र भवति, हिमालय में नदियों का वेग बहुत तेज है, नदी स्त्रीलिंग है और इसलिए इसके लिए कासाम के शाम नहीं आएगा, कासाम आएगा। कश्मीर प्रदेश है हिमालय स्थित है अस्ति, कश्मीर प्रदेश हिमालय में स्थित है, कुत्र स्थित अस्ति, कश्मीर प्रदेश कहाँ स्थित है। रुग्णाः हिमालयं गच्छन्ति, रुग्णाः बहुवचन है प्रथमा विभक्ति और इसलिए किम के भी पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति क को के। और सभी प्रश्न निर्माण करने के बाद में आप प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे तभी आपका आंसर पूरा होगा। शत्रुभ्यः वयं कश्मीरं हिमालयं च रक्षिष्यामः, शत्रुभ्यः केभ्यः, हम किससे कश्मीर और हिमालय की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भारतस्य नद्यः क्षेत्राणि सिंच दिया हुआ तो सिंचन्ति, सिंचन्ति क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं तो इसलिए बहुवचन आएगा। विद्यालयं गन्तुं बालाः गृहेभ्यः निर्गच्छन्ति, निर प्लस गम निर्गच्छन्ति, बच्चे बहुत हैं बहुवचन है इसलिए निर्गच्छन्ति आएगा। नेक्स्ट देखिए कश्मीरम गत्वा जनाः प्रसीदन्ति, प्र प्लस सद प्रसीदन्ति प्रसन्न होते हैं, जनाः बहुवचन है इसलिए बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग होगा। शत्रुभ्यः वयं कश्मीरम हिमालयम च रक्षिष्यामः, शत्रुओं से हम कश्मीर और हिमालय की रक्षा करेंगे, हम वयं बहुवचन है इसीलिए यहाँ पर रक्षिष्यामः, और करेंगे मतलब हमेशा करते रहेंगे। संस्कृते वाक्यानि रच, संस्कृत में वाक्य रचो बनाओ, और आप और भी वाक्य बहुत से बना सकते हैं, नदी गंगा पवित्रा नदी अस्ति, यमुना पवित्रा नदी अस्ति, स्वास्थ्यम जनाः तत्र गत्वा स्वास्थ्यम विन्दन्ति, प्रकृति प्रकृति अति मनोहरा अस्ति, अति सुंदरा अस्ति, यथा यथा राजा तथा प्रजा, यथा मीन्स जैसा, जैसा राजा वैसी प्रजा, नदी यमुना नदी अस्ति, गंगा नदी अस्ति, ठीक है। तो ये सब आपने प्रश्न किए। अब बेटा आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो इस पाठ एक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अपनी पुस्तक में भी बार बार पढ़ेंगे, उच्चारण का अभ्यास करेंगे तो आप इस पाठ को अच्छे तरीके से जान सकेंगे।